तो दोस्तों आज के एपिसोड में बॉलीवुड और साउथ की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों का अपडेट्स एक ही साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अल्लू अर्जुन सर की आने वाली फिल्म पुष्पा 2 के अपडेट्स के बारे में। तो आपको बता दे कि इस फिल्म का दूसरा गाना इसी 29 मई को दोपहर के 11:07 पर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया जाएगा, जिसके बारे में आज रिलीज हुई इस सॉन्ग का प्रमोशन वीडियो में बताया गया। और ये सॉन्ग श्री वल्ली सॉन्ग की ही तरह एक लव स्टोरी सॉन्ग होने वाला है और ये फिल्म इसी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और जिस तरह से इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों का क्रेज बना हुआ है, इस हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ इंडिया से ही 100 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है, तो ही पूरे दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। तो ही बात करें प्रभास सर की आने वाली कल की फिल्म की अपडेट्स के बारे में, तो आपको बता दे कि कल इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पे प्रमोशन किया गया, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस फिल्म को प्रमोशन करने के लिए ही 60 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है, जिसमें से कल मैच के दौरान सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो को प्रमोट करने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। वैसे इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपया है और ये फिल्म 27 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और जिस तरह से इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में क्रेज है, इस हिसाब से ये फिल्म भी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ इंडिया से ही 100 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है, तो ही पूरे दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। तो ही बात करें मनोज बाजपेयी सर की आने वाली फिल्म भैया जी की अपडेट्स के बारे में, तो आपको बता दे कि ये फिल्म कल थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसका एडवांस बुकिंग खुल चुका है। और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें पहली बार मनोज बाजपेयी सर इस तरह का एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दे कि इस फिल्म का बजट बहुत ही कम है और ये फिल्म कल अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ इंडिया से 4-5 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। तो ही बात करें राजकुमार राव सर की श्रीकांत फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दे कि इस फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे 14 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने 13 दिन में सिर्फ इंडिया भर से ही 30,55,00,000 रुपए की कमाई कर चुकी थी, जिसके बारे में आज इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर शेयर करके दर्शकों को बताया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और वही बात करें इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दे कि इस फिल्म ने 13 दिन में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 41,30,00,000 रुपए की कमाई कर ली थी और ये फिल्म आज अपने 14वें दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 3 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो इस तरह से इस फिल्म का 14 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 44,30,00,000 रुपया हो चुका है और इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपया है। तो इसलिए दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही जल्द हिट होने वाली है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित बेहतरीन फिल्म है जिसे दर्शक बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।